मिष्ठान एवं गक्कड़ भत्ता भंडार, नर्मदा तट, ग्वारी घाट, जबलपुर। मोबाइल नंबर 9300128323। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी में मंदिर निर्माण का शिलान्यास होने से देश के कोने कोने में खुशी का माहौल है। हिंदू धर्मावलंबी आज के ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन को त्योहार के रूप में मना रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक में हर्ष व्याप्त है। मंदिर हो या घर, हर जगह सुबह से ही भक्तों ने श्री राम का पूजन अर्चन किया और जय श्री राम के जय घोष से पूरा स्थान गुंजायमान हो उठा। रामलला के मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से साधु संतों में भी बेहद खुशी और उत्साह बना हुआ है। इनका कहना है कि वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ। राम जन्मभूमि में भूमि पूजन होगी, भगवान का भव्य मंदिर बनेगा, जन जन के लिए सुख शांति और गरीबों के लिए व्यापार भी मिलेगा। ये बहुत अच्छा हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा है और भगवान की कृपा से ये जो कार्य हो रहा है बहुत आनंददायक है, शुभदायक है, हर जीव के लिए सुखदायक है, हर जनता के लिए, हर वर्ण के लिए, चारों समाज के लिए ये आनंददायक है। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के इस अवसर पर कहीं घर आंगन और मंदिर में रंगोली बनाई गई है तो कहीं दिवाली की तरह सजावट की गई है। इस मौके पर मंदिरों और घरों में सुंदरकांड पाठ और भजन कीर्तन किया जा रहा है। हम लोगों ने हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए सुंदर कांड पाठ का आयोजन कर रखा है, जिससे हनुमान जी महाराज निर्भुणता पूर्वक इस कार्य को संपन्न कराएं और आगे दिव्य मंदिर का निर्माण हो, इसी कामना से हमारे परम्बा धाम में सुंदर कांड का पाठ हमारे आचार्यों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे भारत में आज कितना बड़ा उल्लास है, उत्साह है कि हमारे अयोध्या में राम जन्मभूमि में ही परमात्मा विराजमान हो रहे हैं। इसलिए जन जन की से मैं प्रेरणा देता हूँ कि हमेशा ऐसी श्रद्धा भावनाएं, रामचरितमानस में जो बताया है कि संत भूम विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वो परमात्मा एक चरित्र दिखा करके चले गए, मगर वो चरित्रों के पीछे अगर हम मान करके अपने शरीर को ढालेंगे तो वास्तव में राममय हो जाएंगे। हमारे ये भूमि ऋषि मुनि महात्माओं की है, राम को प्रकट किया अपने तप से, और जब तक ये भारत भूमि रहेगी ये ऋषि मुनि महात्माओं के तप से चलती रहेगी और उनके तप से ऐसे राम हमेशा प्रकट रहेंगे जो आज इन आताताइयों को, असुर प्रवृत्तियों को, जो अपनी आत्मा को नहीं समझे, जो अपने सनातन धर्म को नहीं समझे, आज वो को सबक को समझ में आ गई कि राम से बढ़ करके इस विश्व में कोई नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। वैसे हमारे आराध्य श्री राम का आज भव्य निर्माण, भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिससे हमें बहुत प्रसन्नता है, बहुत सुख, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त है, जिससे हमारे प्रभु का जो भव्य मंदिर है वह निर्माण हो, जो हजारों लोगों की आस्था भगवान पर है, आस्था ही एक सुख का मुख्य केंद्र माना गया है, प्रभु सब पर कृपा बनाए। भक्तों द्वारा जगह जगह भगवान श्री राम का पूजन अर्चन कर खुशी मनाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने शाम के वक्त दीप प्रज्वलन की तैयारी भी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, पलपल इंडिया।